गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन का कार्य करेंगे। समय समय पर हमारे मन में अनेक भाव या विचार आते रहते हैं, जिनके बारे में हम अपने मित्रों, माता पिता या दादा दादी आदि से बातें करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो वे अनुच्छेद कहलाते हैं। किसी एक भाव या विचार पर सोच समझ कर लिखा गया लेख अनुच्छेद कहलाता है। बच्चों, आज मैं आपको दिवाली के त्यौहार पर अनुच्छेद भेज रही हूँ। त्यौहार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय, दूसरे धार्मिक। राष्ट्रीय त्यौहारों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती इत्यादि होते हैं, और धार्मिक त्यौहारों में हर धर्म से संबंधित त्यौहार आते हैं। बच्चों, एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, परीक्षा में आपको, एग्ज़ाम्स में आपको विषय बदल कर ही अनुच्छेद पूछे जाएंगे। धन्यवाद।